ਬੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਬਰ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ ਇਹ ਨਾਭੀ ਮੈਂ ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਊ मेरा नाम परमप्रीत सिंह है मेरा डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है मैं मेरे लक की प्रॉब्लम है मैं खंडपुर साहब करता मेरे को बह नहीं सी हुंदा ये दवाई तो मैं पहले यूज कर लगा है मेरे फादर साहब ने 3 महीने अगे वरती है उन्होंने पूरा ठीक हो गए चुके ने उन्होंने की मुश्किल सी उन्होंने पेट की लक की प्रॉब्लम सी उन्होंने गुरदासपुर जिला करनवाल तो आए हाँ जी मेनू कब्ज बड़ी रही पेट सख्त रहा ही तो साढ़े लागे कैंप लगा ही मैं उस गया उतो जाके लैके आया तेल तो वे पाना मैं ठीक है हूँ फिर इतने लैना है मेरा नाम माइकल आ मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर का रहने वाला तो मेरा लीवर बहुत ज़्यादा वीक ही मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ की पर नहीं फर्क पिया मैनू तो मेरे फ्रेंड है एक साहिल तो उन्हें मैंने दसिया कि वह भी लीवर वीक ही उन्हें नेविल A1 यूज़ किया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बैटर लगा उन्हें मैंने दसिया तो फिर मैं भी अज इतने लैन लिया आया ये जी साढ़े घर दिन शुगर सी तो BP भी सी सानू 2-2.5 महीने हो गए वरतदियां नू ते हुण बहुत ज़्यादा उन्हां बीमारियां तो रहते आ ये जिद्दण दा असी नेवल A1 वरतण लगे हाँ उद्दण तो दवाइयां तो छुटकारा पा चुके मेरा पिंड भारसिंहपुर तहसील फलौर च पैंदा जी ते समस्या ये सी वी मेरी शुगर की प्रॉब्लम सी BP की सी तो मान लो कोई लत्तां बाहां गोडियां च भी दर्द हुंदा सीगा ते जदों ये मैनूं पता लगा वी जिहड़ा नेवल A1 तेल फगवाड़े इन्हां दा हैड ऑफिस आ तो जो पता करता मैं इतने पहुँचा तो मैं इन्होंने लैके जो यूज किया तो मैं शुगर तो BP तो काफ़ी मान लो जरा छुटकारा मिले कला तो आए हैं अभी हार्ट की प्रॉब्लम सी सारे शरीर दर्द पैनिया से यह दवाई मैं धुनी च पाई है तो इन्ना मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बहुत डॉक्टर बदले मैं बहुत समा जिदा दवाइया खादिया इस दवाई ने मैनू जिदा बहुत ठीक किया फलौर तो आए हैं जी साडा मूँह जिदा जाने कि टैक टैक आया सूँह टेडा हो गया सगा इतों सानू फलौर तो पता लगा तो उन्होंने यार दोस्त ने दसा ही सानू मैं इतों दवाई लेके गया 2 महीने वरती है और मैं ठीक हाँ इस टाइम बिल्कुल मूड मेरा सही है तो होर मैं दोबारा थोड़ा बड़ा नुक्स है और दोबारा मैं दवाई लेने वास्ते इतने आया मैं तो पता लगा तो यार दोस्तों को रिश्तेदार को नवी तेल पाओ तो हूँ ठीक दुआल की दवाई वो करके तेल लैन आया इतना अटैक हो गया स्विंगा हो गया पूरा वो वजह ना हो रहा जी असी इस वेले पहुंचे हाँ शहर फगवाड़ा दे अंदर बिल्कुल बस स्टैंड दे नाल विशाल मेगावाट दे कोल जिथे कि नेवल A1 धुन्नी च पा के तेल जिहदे नाल इलाज किया जाता इस वेले असी पहुंचे हाँ इत्थे डॉक्टर साहबानां नूं भी मिलांगे जिहड़े पेशेंट है उन्हां नूं भी मिलांगे तकरीबन 90% बीमारियां दा कारण की है कि साढ़े बॉडी दे विच ऑक्सीडेशन स्ट्रैस है यानी यह एक मैडिकल लाइन के फ्री रेडिकल बनते बॉडी के कोई भी बीमारी जी है बीमारियाँ क्यों बढ़ रही हैं एक मैं नहीं कह रहा एक नोबल प्राइज विनर की काढ़ है USA की गवर्नमेंट ने आज तो तकरीबन 80 साल पहला एक नोबल प्राइज विनर से लाइनस पॉलिंग से ही वॉज 2 टाइम नोबल प्राइज विनर उन्हें पूछा बीमारियाँ क्यों बढ़ रही हैं उन्हें फिर बड़ी मोटी किताब लिखी है लेकिन निचोड़ की है भी वो कहता यू कैन ट्रेस एवरी सिकनेस एवरी डिजीज़ एंड एवरी एलमेंट टू ए मिनरल डेफिशियंसी मतलब मिनरल की घाट के नाल कोई बीमारी ट्रेस कर सकते हैं जी यानी क्योंकि मिनरल की जे घाट होएगी तो वाइटामिन ने काम नहीं करना जिन्हें भी साड़ी बॉडी ऑक्सीडेशन स्ट्रैस है उन्होंने असी खत्म करने वाइटामिन यूज करते हैं ऑल वाइटामिन आर ऑक्सी मतलब दे आर एंटी ऑक्सीडेंट लेकिन वो एंटी ऑक्सीडेंट तो काम करूगा जो साड़ी बॉडी मिनरल है मिनरल तो बिना बायोकैमिकल एक्टिविटी नहीं होनी है जो साड़ी हुण देखो RO असी लगाता है मिनरल तो सारे RO दे विच निकल गए जी होर घट गए बीमारियां होर बढ़ रही हैं सो मिनरल्स दा और वाइटामिन दा साड़ी बॉडी च जरूरी है क्योंकि यही दो चीज़ा जिहड़ियां कि बीमारियां नाल फाइट करदियां ये सारा जिहड़ा प्रोडक्ट हैगा इस दे विच जिस तरह आमला है वालनट्स है आलमंड्स है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है
अपना अपना दूसरा क्या कहते अलसी है, अलसी का तेल है, ये वाइटामिन ई होंगे है, दैट इज़ वेरी पावरफुल ऑक्सीडेंट, और आंवले के विटामिन सी होंगे है। तो ये बड़े पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट है, जो भी बॉडी जाते हैं ना तो ऑक्सीडेशन स्ट्रैस को खत्म कर, जिते भी कोई तकलीफ हैगी है उत्थे ना फ्री रेडिकल्स को खत्म करना है जी। जो फ्री रेडिकल खत्म होंगे तो बीमारी अपने आप हील होने लग पैनी है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्ट्रैस वाइटामिन ता ही काम करेंगे, साड़ी बॉडी च मिनरल्स होंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है ये वालनट के मिनरल्स होंगे, मैगनीशियम, कॉपर, आयरन, इस तरह मतलब जेडे तिल के बीज होंगे वो मैगनीशियम बहुत होंगे है, कैल्शियम होंगे है, ये मतलब वाइटामिन हैल्प करते हैं काम करने के। मिनरल तो बिना वाइटामिन ने काम नहीं करना, जो सारी बॉडी मिनरल नहीं है विटामिन की कोई वैल्यू नहीं है। तो रल मिलकर दोनों काम करते हैं, तो जिते भी फ्री रेडिकल्स होंगे उत्थे फ्री रेडिकल खत्म होने लग पे, बीमारी हील होने लग पी है। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर जी ये जरा थोड़े को नेवल एवन ऑयल लोग लैके जा रहे ने, ये तो कि बीमारी को आराम मिलता? सर ये तो असं बहुत रिजल्ट लै चुके हैं, जिहड़ियां मेन प्रॉब्लम ने जिहड़ियां अज आम लोगों को हो रही ने, वो हो रही ने शुगर, थायरॉयड, हार्ट की ब्लॉकेज, कोई भी नसा की ब्लॉकेज, कोई भी तुहाडे पेट की समस्या, लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, पित्ते की पत्थरी तक लोगों की जी असं बाहर कढ़ चुके हैं जी। तो बाकी कई जिहड़ियां असं तुहाडे को नहीं भी इन्ना बोल के दस सकते, ओदा भी बहुत रिजल्ट है, जिहड़ा भी तुसीं बीमारी दा नाम लओगे वो बीमारी ठीक हो जाएगी तुहाडी। और इस दवाई नूं वरतना किवें आ? इस दवाई नूं आपां डब्बी खोलांगे, इस डब्बी दे विच इक छोटी शीशी है, इस तरह एक वड्डी शीशी है, जिहड़ी वड्डी शीशी है इहनूं आपां खोल के इहदे उपर आपां ड्रॉपर कसांगे तां इदां ही तैयार हो जाएगी जी। और तुसीं लेटना है, लेट के अपनी धुनी नूं गाईं दे घिओ नाल जां बदाम ऑयल नाल आपां साफ करना है। साफ आपां कहते करना कि साडी जैकटां दा स्वैटरां दा कचरा उहदे विच हुंदा, इह ना होवे कि दवाई दे विच कचरा उतर जावे। और साफ करके जदों लगे कि धुनी बिल्कुल लिश्क गई आ तो आपां उहदे विच दो ड्रॉप पानी ने गिण के जी, और 45 मिनट लेटना है। अच्छा जी। 45 मिनट लेटण तो बाद दवाई तुहाडे जिन्नी अंदर चली गई, जिहड़ी थोड़ी बाहर रह गई, विच रह गई, उहनूं उंगल दे नाल करके उहनूं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज उहदे उपर पेट दे मालिश कर देणी आ, तां कि तुहाडे कपड़े नाल लिबड़न और वह दवाई ने तुहाडे पेट नूं नरम कर देना जी। और उस तो बाद एक गिलास घट तो घट 250-300 ग्राम का होवे कोसे पानी का पीना है। अच्छा जी। और पानी नूं बैठ के पीना है घुट घुट करके। अच्छा जी। और जिन्नी भी तुहाडी ब्लॉकेज है, जिन्नी भी तुहाडी पेट की प्रॉब्लम है, जो समस्या है, जे वह महीने च आराम आऊगा तो वह आराम तुहानूं 15 दिन में आ जाएगा, जे तुसीं प्रॉपर वे ना पानी पीएगा बाद चों तां जी। ठीक। और एक दिन के किन्नी बारी ये लगानी है? सर 8 घंटे के गैप के नाल आपां दवाई 2 बार लगा सकते हैं। जे तुसी एक बार यूज़ करते हो तो तुहानू रिजल्ट हाफ आएगा, अद्धा आएगा। अगर तुसी कितने 2 बार यूज़ कर गए तो तुहानू रिजल्ट डबल हो जाएगा जी। प्रॉपर है कि जे आप एक गोली खाने तो वह घट रिजल्ट आएगा, जो 2 खाने तो ज़्यादा रिजल्ट आएगा। इस तरह आप 8 घंटे के फर्क के नाल 2 टाइम दवाई यूज़ करनी है, और दवाई यूज़ करके 45 मिनट लेटना जरूर है, और बाद चो पानी जरूर पीना है। और जड़ी हाँ दवाई जड़ी है पा के 3 घंटे तक आप नहाना नहीं है, जो नहाना है तो पहला नहा लेना और नहा के धुनी दे विचों पानी नूं साफ करके फिर आप दवाई पानी जी। सर जी जिवें तुसी हेल्थ नाल संबंधित हो, मैडिकल नाल हो, अज देख रहे कि हर एक बीमार लग रहा कि जो बीबिया देखते दे, दवाई लैन तुरियां ही रहिंदियां, किसी के गोडे दुखते, किसी मोढ़े दुखते, किसी जोड़ दुखते, किसी का बीपी हाई, कारण की लगता तुहानूं? कारण साडा जिहड़ी साडी जीवन शैली है, साडा रहना सहना सारा खराब हो चुका है जी। असीं अपनी सेहत लई, साडा शरीर सानूं लखां रुपए कमा के दिंदा है, पर असीं शरीर लई करदे की हैं? सैर करनी अच्छी है पर किन्ने लोग करदे नहीं। पेट नूं साफ करन वास्ते बहुत सारे योग आंदे ने, बहुत सारे आसन आंदे ने, पर आपां किन्ने लोग करदे हां? घट तो घट मेरी गल मनो, जिहड़ी जिन्ने लोग मेरी गल नूं सुन रहे ने, रोटी खा के 1/2 घंटा जरूर सैर करो, और पेट नूं ज़्यादा भर के ना बनाओ खाओ जी। पेट नूं गटर ना बनाओ, पेट दे विच भुख रख के खाओ। जदों आपां ज़्यादा पेट नूं भर के खाते हाँ तो फिर सानूं जिहड़ियां खाना है साडे पेट च हजम नहीं हुंदा, और साडे पेट दे विच पिया गलदा है, जदों गलदा है तो फिर पेट दीआं बीमारियां, पेट दे मूंह दी स्मैल, ये सानूं जिहड़ी बद हाजमी आ पे शुरू हो जांदी आ। और जदों चीज़ पई कोई गलदी है तो उत्ते फिर उन्हें इनफेक्शन करनी आ, जदों इनफेक्शन होनी आ तो बीमारियां साडियां सानू आ के चिंबड़ जानियां नहीं,
तो इस करके आप घट तो घट पेट न साफ रखिए ते रोटी दे नाल आपां सलाद वगैरह ज़्यादा खाइए ज़्यादा तलिया समान जां फास्ट फूड तो थोड़ा बचा रखिए। जो असं किसी पैलेस में जाते तो 35 काउंटर लगे होंगे टेस्ट लेंदे लेंदे भी ओह पेट ओवरफ्लो हो जाता। इस पास मैं जा रहा कि जो आप पैलेस में जाने देखो आप एक पास स्टार्ट हो जाने स्टार्टिंग हो गई है पेस्ट्रियां पईयां रसगुल्ले पे गुलाब जामुन पईयां अगे समोसे पे अगे नॉन वेज पिया वा आप खाते 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 दूजे पास निकल जाने। अच्छा फिर उस तो बाद बाहर नूडल बर्गर लगे हुए हैं और दिल नहीं करता पर फिर भी प्लेट चक के खा लें। तुसी जे ये चीज़ तुहाड़ा सवाल वैसे बहुत अच्छा है मैनू बड़ा मज़ा आया। तुसी जे चेक करना चाहते हो कि मैं अज किन्ना कुछ खाधा तुसी एक डब्बा नाल ले जाओ। तुसी रसगुल्ला खाधा एक डब्बा रसगुल्ले और डब्बे च रसगुल्ला पा दिओ। तुसी एक समोसा खाधा उस च पा दिओ जिन्नी चटनी तुसी पाई उन्नी उहदे च पा दिओ। तुसी नूडल खाधे बर्गर खाधे टिक्की पाई तुसी सारा उस च पा देना है और आउण लग्गिआं ढक्कण बंद करके घर ले आना ते फिर सवेरे उहदा डब्बे दा ढक्कण खोल के विच नक्क दे के देखिओ वी किन्नी कु स्मैल आउंदी है। हाँ वो साडा जिहड़ा शरीर है उहनूं गटर ना बनाओ ते जे वह डब्बे च नहीं स्मैल मारदा ते साडे अंदर भी उहनी स्मैल मारदा ते सानूं बीमारियां नूं सद्दा डायरैक्ट सद्दा देणा जी। सर जी इस दवाई का जिहड़ी कीमत किन्नी है? सर जी दवाई की कीमत तो ना मात्र है साडी जिहड़ी शरीरक तंदुरुस्ती है साडा जिहड़ा शरीर है सानूं अणमुल्ला मिलिआ इहदी कोई कीमत नहीं। आपां इंसान बन के आ गए हैं आपां इंजॉय कर रहे हैं मेरी जेब विच 10,000 रुपया जां 20,000 रुपया जां मेरे अकाउंट विच 1,00,000 रुपया है उहदा मज़ा मैनूं ताईं हुआ जे मेरी शरीर तंदुरुस्ती होएगी। तां साडी शरीर की तंदुरुस्ती तो दी कोई कीमत नहीं हैगी पर फिर भी असी इहदी जिहड़ी कॉस्ट है एक पैसे कमाउण दा साधन नहीं रखिआ असी असी सिर्फ लोगों नूं जिन्ने क बच्चे डॉक्टर टैसट करते हैं उन्ने क बच्चे दवाई दे के घर भेज देने। जिमें कि यह दवाई जी है 3 महीने की डोज है जी शीशी है 3 महीने चलती है और 1,500 रुपये कॉस्ट है। 1 महीने की दवाई पैंती है 500 रुपये की तो 1 दिन की पैंती है 1,800 रुपये की। तो नाल एक छोटी शीशी भी सी ये जी छोटी शीशी है ये नाल फ्री है सर यदा जिन्ना स्टॉक है साढ़े को नहीं पता 1,000 पीस बने या 2,000 पीस बने वा ये शीशे अभी फ्री पाती है और फ्री लिखिया भी ये बाले पास असी ये जी चीज़ हैगी आप यूज़ किमें करना है इनू आप यूज़ करना है इनू खोलना है ये देखो जिनी निक्की है उन्नी तिखी है। अच्छा इनू खोलिया खोल के आप इनू उंगल ते रोल करना है सवेरे खाली पेट जी चूड़ी करन तो पहला ब्रश करन तो पहला और इनू दंदा ते मालिश कर देनी है जी। दंदा ते मालिश करके जस्ट 2 मिनट मूँह बंद करना है और मूँह बंद करके तुहाडे मूँह च पानी भर जाएगा और उस पानी नूं जिवें आप कुरला करदे आ ए करके उस पानी का दंदा के उपर अनैमल हो जाए और उनू अंदर लगा लेना है। अच्छा और 20 मिनट बाद 15 मिनट बाद एक गिलास कोसा पानी पीना है बैठ के और तुहाडे रात का जो भी तुसी खाधा कोई तुसी ठंडेपन वाली चीज़ खाधी है कोई साग च घ्यो पा के खाधा जां तुसी कोई नॉन वेज खाधा है वो तुहाडी फूड पाइप नूं साफ करता हुआ लैटरस बाहर निकल जाएगा। तुहाडे पेट के विच कोई अल्सर पल रहा है फूड पाइप कोई ब्लॉक हो रही है जिन्हें लोगों की फूड पाइप ब्लॉक हो जाती है आप अक्सर सुनते हैं कि फलाने बंदे की फूड पाइप जी है कैंसर ना ब्लॉक हो गई वो साढ़े गर्म सर्द खाने नाल ही होंदी है ज़्यादा तिखा खाने नाल होंदी है। जिहड़े लोग ए फ्री वाली दवाई नूं यूज़ कर जाएंगे जिंदगी विच उहदी कदी फूड पाइप ब्लॉक नहीं होएगी। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी सर धन्यवाद जी बहुत बहुत थैंक यू तुहाडा ते सारे दर्शकों का धन्यवाद है और मेरिया गल्लां नूं ध्यान नाल सुन के उहनूं अप्लाई भी करियो जे एक पेशेंट भी ठीक असी करता मेरी तुसी गल सुन के ठीक हो गए तो साड़ी ए जिहड़ी आ तुहाडे तक स्नेहा पहुँचाउणा साडा सफल हो जाएगा जी। धन्यवाद जी थैंक यू।